Hello everyone, in this video you will get to know how we can update records in a binary file. So let us create our program here. Okay, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करें इम्पोर्ट करेंगे पिकल मॉड्यूल को. पिकल मॉड्यूल को क्यों इम्पोर्ट किया है, जिससे हम इसके फंक्शंस को यूज करें कर सकें, इसके लोड फंक्शन को, इसके डम फंक्शन को यूज कर सकें. ओके, तो मैं फर्स्ट अपना जो फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ वो मैं राइट फंक्शन कर रही हूँ, फाइन, जिससे मैं क्या करूँ, क्या कर सकूँ, अपनी एक फाइल क्रिएट कर सकूँ और उसके अंदर डेटा को राइट कर सकूँ, फाइन. तो जैसे मैंने यहाँ पे अपनी फाइल ले ली, माई फाइल ट्री, ओके, डॉट डेट, डेट फॉर द बाइनरी फाइल. अब मैं क्या करूँगी, इसको राइट मोड में ओपन करूँगी. अब देखो, अगर माई फाइल थ्री फाइल जो आपकी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसका प्रीवियस डेटा डिलीट हो जाएगा और न्यू डेटा जो आप राइट कर रहे हो वो उसमें आ जाएगा, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्रिएट हो जाएगी, फाइन. ओके, अब मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है एलएसटी जिसको मैं बना रही हूँ एम्प्टी लिस्ट. ये मैंने इसलिए बनाया है जिससे जो भी डेटा मैं इसके अंदर डालूंगी, मतलब जो भी मैं डेटा यूजर से लूंगी वो एलएसटी में जाके स्टोर हो जाए. अब हम यहाँ पे अपना लूप चलाते हैं, व्हाइल ट्रू. तो मेरा जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक ट्रू रहेगा, एंड ऑफ द फाइल तक ट्रू रहेगा, फाइन. जैसे एंड ऑफ फाइल आएगा ये हो जाएगा फॉल्स. इसके अंदर हम ले लेते हैं रोल नंबर, इंट, इनपुट, एंटर, रोल नंबर, फाइन. इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया हमने रोल नंबर, नेम, इनपुट, एंटर, नेम, फाइन. देन आपका आ गया मार्क्स, मार्क्स आप फ्लोट में ले लो, फ्लोट, इनपुट, एंटर, मार्क्स, ओके. अब ये डेटा हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल के अंदर इसको एज अ लिस्ट स्टोर करा देते हैं. आर नंबर, नेम एंड मार्क्स, राइट, ओके. अब हम अपने एलएसटी जो हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई थी उसमें इस डेटा को अपेंड करा देंगे, ठीक है. अपेंड मतलब उसमें इसको राइट करा देंगे, इसको हमने अपेंड फंक्शन में पास कर दिया है, फाइन. अब लूप मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूस चलता ना रहे, इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया आंसर और उसमें मैंने यूजर से इनपुट कराया है वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, ओके. नाउ इफ आंसर इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या कंपैरिजन किया है, अगर आपने क्या किया टाइप एन, ओके, तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, आपका कंट्रोल प्रोग्राम से बाहर आ जाए, फाइन. और जो भी डेटा आपने क्या किया है, राइट कराया है अभी तक, मतलब यूजर से किया है, लिया है यूजर से लिया है, वो डंप हो जाए आपकी फाइल में, ठीक है. तो यहाँ पे हमने LST के अंदर सारा डेटा अपना स्टोर कर रखा है, वो हमारी फाइल में स्टोर हो जाएगा, फाइन. एंड इन द एंड आपने क्या किया, अपने राइट फंक्शन को कॉल कर लिया, ओके. हम आपने राइट फंक्शन कर लिया, अब क्या करेंगे, हम अपने डेटा को रीड करेंगे. तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, नेक्स्ट अपना फंक्शन बनाती हूँ, रीड फंक्शन, ओके. इसके अंदर मैं ओपन करूँगी अपनी फाइल, ओपन माय फाइल थ्री डॉट डेट, ओके. अब मुझे रीड करना है तो किस मोड में मैं फाइल को ओपन करूंगी, आरबी मोड में, फाइन, ओके. अब हम जब रीड करेंगे तो क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर रीड करेंगे जिससे एंड ऑफ फाइल एरर ना आए, ओके. तो व्हाइल ट्रू, जब तक कि आपका एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता है, आप क्या करोगे, आप रीड करा के, जैसे मैंने एस वेरिएबल लिया है, इसमें मैं अपने डेटा को रीड करा रही हूँ, पिकल डॉट
लोड फंक्शन और मेरा पूरा डेटा रीड होके कहाँ स्टोर है, एस वेरिएबल में। मैंने क्या करा, फिर इसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट एस, ओके। एंड देन यहाँ पे हम ले लेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक, एंड ऑफ फाइल एरर, और इसमें हम करा देते हैं एफ डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर दिया। एंड देन आपने रीड फंक्शन को कॉल कर दिया, फाइन। इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। इसको मैंने दे दिया एच वन नेम, एच वन ऑलरेडी एग्जिस्ट तो एच थ्री दे देते हैं, ओके। नाउ वी विल रन आर प्रोग्राम, रन मॉड्यूल, रोल नंबर वन, ओके। नेम मैंने दे दिया दीप्ति, फाइन। मार्क्स मैंने दे दिए 90, यस। एक और रिकॉर्ड ले लेते हैं, नेम मैंने दे दिया, सॉरी रोल नंबर दे दिया 2, नेम दे दिया मैंने रोहन, ओके। एंड मार्क्स दे दिए मैंने 70, ओके। वन मोर रिकॉर्ड, नेम मैंने दे दिया रोल नंबर 3, नेम दे दिया मैंने यहाँ पर प्रणव, ओके। एंड 15 मार्क्स। देन एक और रिकॉर्ड ले लेते हैं, वाई दे देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, फाइन। और नेम दे दिया काशवी, ओके। एंड 80 मार्क्स ले लिया आपने, 80। अब इसको नो कर देते हैं। देखो आपका रिकॉर्ड्स आ गया, आपका रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में, नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में आया, ठीक है। क्योंकि आपने LST के अंदर एज अ लिस्ट डेटा पास किया था, तो ये देखो ये आपकी लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है, ओके। ये आपकी लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट है, ये आपकी लिस्ट का थर्ड एलिमेंट है। तो आपके पास रीड होके आया डेटा इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड लिस्ट, फाइन। अब देखो ये अगर हम लगाते हैं फोर, अपना फोर लूप चलाते हैं, तो अगर हम लूप चलाते हैं तो क्या होगा, आपका जो डेटा एक्सेस होगा ये आपका फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस होगा, देन सेकेंड एलिमेंट, देन थर्ड। तो मैं इसको देखो, अब मैं क्या करती हूँ, राइट जो मेरा फंक्शन है इसको मैं कर देती हूँ, इसको अब बार बार कॉल नहीं करना है, ठीक है। मैं इसको अब लूप के फॉर्म में चलाएंगे अपने डेटा को, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 4 i in s, फॉर आई इन एस प्रिंट आई, फाइन। एंड दिस स्टेटमेंट, ठीक है, इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस एंड देन रन, रन मॉड्यूल। अब देखो आपका डेटा किस फॉर्म में आया है, आपका ये देखो, ये आपने फर्स्ट आई ने आपका फर्स्ट एलिमेंट को, लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया, लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट ये है। देन सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस किया, आपका सेकेंड एलिमेंट ये है। तो आपने क्या किया, लूप चला के इसको एक्सेस किया। अब देखो आई के अगर हम देखें, अगर यहाँ पे आई का लिस्ट वाइज देखें, एलिमेंट वाइज देखें, तो आई के 0 पे क्या है, रोल नंबर है, आई के 0 पे रोल नंबर है, ओके। एंड आई के 1 पे क्या है, आपका नेम है, फाइन। और एंड आई के 2 पे क्या है, आपका मार्क्स है, फाइन। तो अगर मैं इसको लिस्ट के फॉर्म में नहीं लेना चाहती हूँ, फाइन, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आर नंबर को मैं आई जीरो पर, ठीक है, आई जीरो में आर नंबर में आई जीरो की वैल्यू, ठीक है। नेम में, नेम वेरिएबल के अंदर आप आई वन की वैल्यू, ओके, इसको थोड़ा डाउन करते हैं, ठीक है। एंड मार्क्स के अंदर आप क्या करोगे, आई टू की वैल्यू, ओके। एंड अब हम इसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट आर नंबर, ओके, नेम एंड मार्क्स, प्रिंट करा दिया। इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल एस, सेव हो गया। एंड देन रन, रन मॉड्यूल। अब देखो आपका क्या आया है, आपका एज अ लिस्ट नहीं आया, आपका सिंपल ये प्रिंट हो गया, फाइन। तो अभी आपने क्या किया, आपने रीड किया है डेटा को और राइट किया है, फाइन। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें करना है अब अपडेट, ओके। अपडेट फंक्शन हम अपना क्रिएट करेंगे, जिससे क्या कर सकें, हम अपने डेटा को अपडेट कर सकें,
फाइन। तो नेक्स्ट फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं रीड फंक्शन को भी हम कर देते हैं, इसको हम कमेंट बना देते हैं, रीड फंक्शन को भी हमने कमेंट बना दिया राइट। अब हम क्या करेंगे अपना अपडेट फंक्शन बनाते हैं फाइन, अपडेट फंक्शन अपना क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है डेफ अपडेट फाइन, अपडेट फंक्शन किया है एफ ओपन, मेरी फाइल का नेम क्या है, मेरी फाइल का नेम है माय फाइल थ्री, ओके माय फाइल थ्री डॉट डेट फाइन। अब मैं किस मोड में इसको ओपन करूंगी, मैं इसको आर बी प्लस मोड में ओपन करूंगी क्योंकि मेरे को रीड फंक्शन, क्योंकि मुझे डेटा को रीड भी कराना है और न्यू डेटा राइट भी कराना है ओके। तो मैंने इसको आर बी प्लस मोड में ओपन किया है फाइन। अब देखो मैं क्या करती हूँ, रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपने डेटा को क्या करूंगी, अपने डेटा को मॉडिफाई करूंगी ओके। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया रोल नंबर और मैंने यहाँ पे यूज़र से इनपुट कराया कि किस रोल नंबर का डेटा मैं अपडेट करना चाहती हूँ, इनपुट ओके एंटर रोल नंबर टू अपडेट अपडेट रिकॉर्ड ओके। ये मैंने यूजर से इनपुट कराया है एंटर रोल नंबर टू अपडेट रिकॉर्ड। अब हम क्या करेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर अपनी फाइल को पहले रीड करेंगे और अपने पॉइंटर की पोजीशन को देखेंगे कि पॉइंटर की पोजीशन कहाँ पे है। वाइल ट्रू अब देखो यहाँ पे मैंने पोस्ट वेरिएबल के अंदर क्या किया है एफ डॉट टेल, टेल फंक्शन मेरा क्या करेगा पोजीशन बताएगा कि पॉइंटर की पोजीशन कहाँ है ठीक है, पॉइंटर की पोजीशन कहाँ है। अब मैंने क्या किया है डेटा वेरिएबल ले लिया है ओके, डेटा वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल ले सकते हो फाइन, उसके अंदर मैंने ले लिया या फिर डेटा की जगह रिकॉर्ड ले लेते हैं, रिकॉर्ड ले लिया चलो, रिकॉर्ड इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड एफ। तो जो मेरी फाइल रीड होके कहाँ चली जाएगी, रिकॉर्ड वेरिएबल के अंदर चली जाएगी यहाँ पर फाइन, रीड हो गई है फाइल मेरी। अब मैं क्या करूँगी अपना लूप चलाऊंगी फोर आई इन रिकॉर्ड, फोर आई इन रिकॉर्ड ओके इफ। अब मेरा लूप चलेगा ओके, फाइल का जो भी डेटा है वो क्या होगा, वो आइट्रेट होगा राइट, उस पर वन बाय वन क्या होगा हमारा पॉइंटर जाएगा। तो मैंने क्या कंडीशन दी है इफ आई जीरो, जो मैंने यूजर से एंटर कराया है जो आई जीरो, आई जीरो रोल नंबर पे जाएगा ठीक है, जो भी एलिमेंट्स है फर्स्ट रोल नंबर के पास जाएगा। तो अगर वो वाला रोल नंबर है जो हमने एंटर कराया है ठीक है, वो वाला रोल नंबर है जो हमने एंटर कराया है यूजर से लिया है, तो क्या हो आई के वन पर क्या हो जाए, आई के वन पे हो जाए इनपुट एंटर न्यू नेम ठीक है, आई के वन पे हमारा नेम था ठीक है, एंड आई के टू पे क्या हो जाए, आई के टू पे हम करवा देंगे इनपुट फ्लोट, फ्लोट में हम करा देते हैं इनपुट एंटर न्यू मार्क्स फाइन राइट। अब एंटर कराने के बाद आपने क्या किया पोजीशन को सीक किया ठीक है, सीख करके कहाँ पे पहुँचा दिया पॉइंटर को, जहाँ पे वो पहले था राइट, जहाँ पे वो पहले था जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी फाइन। अब इनिशियल पोजीशन पे जाके आपने क्या किया, जो आपने डेटा चेंज किया है अभी, डेटा चेंज किया आपने उसको डंप करा दिया फाइन,
उस डेटा को आपने क्या किया है, डंप करा दिया, एफ, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट आपने क्या किया है, आपने अपने डेटा को यहां पे प्रिंट करा दिया, प्रिंट रिकॉर्ड, ठीक है। अब समझ आ गया, पहले आपने क्या किया, आपने अपने पॉइंटर की पोजीशन को पता किया कहां पर है वो, राइट। फिर हमारा प्रोसेस क्या था, हमने फाइल को रीड करा के रिकॉर्ड जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, रिकॉर्ड जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करा दिया। अब हमने क्या किया, अपनी फाइल को आइट्रेट किया है, उसके डेटा के पास वन बाय वन गए हैं। जब आपका आई कहाँ पे गया, आई जीरो पे गया, तो हमने ये कंसीडर किया, मतलब ये कंफर्म किया, क्या जो रोल नंबर यूजर से इनपुट कराया है ये वो रोल नंबर है, अगर है तो हमने क्या किया, न्यू नेम और न्यू मास्क को एंटर करा दिया, राइट। और अब फाइल पॉइंटर को हमने कहाँ पहुँचा दिया, उसकी इनिशियल पोजीशन पे। इनिशियल पोजीशन पर पहुँचाने के बाद हमने डंप कर दिया न्यू डेटा, राइट, और अब पूरा रिकॉर्ड आपने क्या करा दिया, प्रिंट, फाइन, पूरा रिकॉर्ड आपने क्या करा दिया, प्रिंट, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लेते हैं अपना एक्सेप्ट ब्लॉक, फाइन, एक्सेप्ट एक्सेप्शन, ओके, एंड देन एफ डॉट क्लोज, इसमें फाइल को हम क्लोज करा देंगे, फाइन, ओके। एंड यहां पे हम क्या करेंगे, अपडेट फंक्शन को कॉल करा देते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं अपनी, प्रिंट अपडेटेड डेटा, नेक्स्ट लाइन में आपका अपडेटेड डेटा आ जाए, ओके। एंड उसके बाद आपने रीड फंक्शन को कॉल करा दिया, ठीक है, अपडेट डेटा के बाद आपका रीड फंक्शन। चलो एक बार हम जो हमारा प्रीवियस डेटा है उसको भी रीड करा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, रन किया, फाइन, देखो ये हमारा प्रीवियस डेटा है, फाइन। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, एंटर रोल नंबर टू अपडेट रिकॉर्ड, तो मैं मुझे फोर रोल नंबर का रिकॉर्ड चेंज करना है, न्यू नेम मैं डाल देती हूँ गीता, लेट अस सपोज न्यू नेम मैंने डाल दिया गीता, एंड मैंने मार्क्स डाल दिए 50, ओके। अब देखो आपके पास क्या हो गया है, रिकॉर्ड अपडेट होके आ गया, ये रीड फंक्शन जो कॉल हुआ है, और ये अगेन आपने जो रीड फंक्शन कॉल किया है, ओके, तो ये आपका अपडेटेड रिकॉर्ड आ गया है, फाइन। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।